नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बांदा जिले के तिनवारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोखरी में अखिल भारतीय यादव महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष कंचन सिंह यादव व ग्रामीण के सहयोग से स्थान बड़े देव बाबा मंदिर गोखरी बांदा में दिनांक 11 तारीख से 18 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। वृंदावन से पधारी कथावाचक राधा यादव के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कही गई। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं व युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बड़े देव बाबा स्थान से प्रारंभ होकर गांव की परिक्रमा कर भागवत स्थल पर पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। दिनांक 15 तारीख को कथावाचक राधा कृष्ण यादव ने कृष्ण के सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की काफी संख्या मंदिर पहुंची। रात में कीर्तन मंडली का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों द्वारा सुंदर भजन गाए गए। इस दौरान यजमान बेटा यादव पत्नी श्यामा देवी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यदि आप पिता हैं तो अपनी संतान को ऐसे संस्कार जरूर देना कि वह सदा जीवन में राष्ट्र के काम आवे। कथा के दौरान भक्ति भजनों पर महिलाएं पुरुष झूमते नजर आए। वही दिन गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंडियन टाइम न्यूज के लिए बांदा से संवाददाता उमेश यादव की खास रिपोर्ट। सुरेंद्र यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा, युवा प्रकोष्ठ तिनवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष। ये जो भागवत करवाई जा रही है, ये बड़े देव बाबा का एक स्थान है हमारा, खेरापति जिसे बोलते हैं, और यहाँ भागवत कथा श्री छट्टन यान गोखरई हमारे अध्यक्ष हैं इसके, और इस कार्यक्रम को सभी यादव परिवार मिल करके आगे गत वर्षों के भांति इसको लगातार निरंतर चालू किए। से कथावाचक श्री कुमारी श्री यादव शास्त्री जी। ये कथा हमारी 17 तारीख तक चलेगी और 18 तारीख को विशाल भंडारा है। भंडारे में हमारे अखिल भाई सारा इस प्रकार का आज का भागवत कथा। आज कृष्ण जन्म था और राजा याद का क्या। मेरा नाम है कंचन सिंह यादव, ग्राम प्रधान गोखरही, ब्लॉक तिंदवारी, जिला बांदा। कौन आपके यहाँ मुख्य कथावाचक आया हुआ है? ये श्री कुमारी राधा देवी यादव। कब समापन होगा इस भागवत कथा? भागवत कथा का 17 को समापन है और 18 को विशाल भंडारा है। ये हमारे समस्त यादव परिवार की तरफ से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। इसके सारे पड़ोसी गांव यहाँ इकट्ठा होते इस कथा में। क्या ये कार्यक्रम किया जाता है? अच्छा। इसमें मुख्य परिचित है श्री बेटा यादव, महासभा ब्लॉक अध्यक्ष, मैं तिंदवारी हूँ।